हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द चैनल डायमंड स्टार। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारी पहली इम्पोर्टेंस है, वो है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सनल। कि स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें हेल्प करता है डिस्कवर करने में और ऑब्टेन करने में कम्पिटेंट पर्सनल। मीन्स ऐसे पर्सनल, पर्सनल मीन्स क्या, इम्प्लॉयज़, स्टाफ, ऐसे स्टाफ को या फिर ऐसे इम्प्लॉयज़ को हमें डिस्कवर और ऑब्टेन करने में हेल्प करता है जो कि कम्पिटेंट होते हैं। तो स्टाफिंग में जब हम रिक्रूटिंग कर रहे होते हैं, मीन्स एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम सबसे लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम इस लायक होते हैं कि हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर पाएँ या उस तरह के एम्प्लॉयज़ को सर्च कर पाएँ जिस तरह की हमें ज़रूरत है अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस को अच्छा करने में भी हमारी हेल्प करता है। कैसे, थ्रू द मीडियम ऑफ स्टाफिंग राइट पीपल आर पोस्टेड एट राइट प्लेसेस। स्टाफिंग के थ्रू हम राइट पीपल मीन्स सही पर्सन्स को, सही एम्प्लॉयज़ को सही पोस्ट पर हम रिक्रूट कर सकते हैं। दस सुटेबल पीपल आर सिलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट। सो हम सुटेबल पीपल को मीन्स जो लायक होते हैं सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हम रिक्रूट करते हैं, ये ध्यान में रखकर कि हमें किस पोस्ट पर उनको रिक्रूट करना है और किस तरह का काम वो कर पाएंगे और उनके पास कैसी क्वालिफिकेशंस हैं। सो इसके थ्रू क्या होता है, इनकी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों इंक्रीज़ होती है। किसकी, एम्प्लॉयज़ की। जब उनकी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों इंक्रीज़ होगी, सो इससे क्या होगी, हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज़ जो है हमारा, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिज़नेस है हमारा, वो लंबे समय तक चलता रहे और कंटिन्यूस चलता रहे, उसमें भी हमारी हेल्प करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं कैसे। एवरी एंटरप्राइज एस्पायर्स फॉर इट कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखो, हर बिज़नेस, हर एंटरप्राइज ये चाहेगा कि जो हमारा बिज़नेस है, जो हमें हमारा एंटरप्राइज है, वो लंबे समय तक चले और कंटिन्यूस चले। लंबे समय तक चले, लेकिन ऐसा ना हो कि बीच में कभी बंद हो जाए। लंबे समय तक चले और कंटिन्यूसली चलता रहे। सो ये पॉसिबल तभी हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल ओनली वेन इट इज़ ह्यूमन एसेट्स ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। जब उसके पास ह्यूमन एसेट्स हों, वो भी सुप्रीम क्वालिटी के। ह्यूमन एसेट्स का मीन्स क्या है यहाँ पर, एसेट तो आपको पता ही होगा, और ह्यूमन एसेट क्या होता है। ह्यूमन एसेट मीन्स हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे यहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है हमारे एंटरप्राइज़ में, जो लोग वर्कफोर्स जो वहाँ पर काम कर रही है, लेबर फोर्स जो काम कर रही है, वही हमारे क्या है, ह्यूमन एसेट्स। वो भी कौन सी क्वालिटी के होने चाहिए, सुप्रीम क्वालिटी। सुप्रीम क्वालिटी मीन्स सबसे बेस्ट क्वालिटी, अच्छे से अच्छी इफिशियंसी उनकी हो, अच्छे से काम वो कर सकें। दिस एस्पिरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी फुलफिल थ्रू स्टाफिंग। ये जो हमारा मोटिव है, ये सिर्फ एक ही चीज़ फुलफिल कर सकती है, और वो है स्टाफिंग। सो इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं किसी भी एंटरप्राइज़ के, वो क्या करते हैं, अच्छे से अच्छी प्लानिंग करते हैं कि हम किस तरीके से रिक्रूट करें एम्प्लॉयज़ को, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, कहाँ से हमें मिलेंगे। सो वो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, अच्छे से प्लानिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे क्वालिटी के ह्यूमन एसेट्स अपने पास रिक्रूट करते हैं। अगर आपकी ह्यूमन एसेट, आपकी वर्कफोर्स, आपका स्टाफ अच्छा होगा, सो आपका जो एंटरप्राइज़ है वो कंटिन्यूसली चलेगा और लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि अगर वो आपका एंटरप्राइज़ है, आप उसके ओनर हो, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, काम कौन कर रही है, आपकी वर्कफोर्स, अगर वही अच्छी नहीं होगी, सो ऑब्वियसली इसका बैड इफेक्ट आपके एंटरप्राइज़ पर पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है या जो वर्कफोर्स है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जितनी उनकी क्षमता है उसको पूरा वो यूज़ कर पाएँ, इसमें भी हमारी हेल्प करता है। कैसे, स्टाफिंग के अंडर में क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, वो सारी सिस्टमेटिकली परफॉर्म की जाती हैं। तो इस की वजह से ऐसी सिचुएशन नहीं आती जिसमें कि हम ओवर मैनिंग हो, मीन्स ओवरलैपिंग हो काम की, या एक ही काम को बार बार करना पड़े। तब एक ही काम बार बार नहीं होगा तो जो हमारा जो टाइम है वो बचेगा, एम्प्लॉयज़ जल्दी काम कर पाएंगे, और ऑप्टिमम यूटिलाइज मीन्स जितना यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को, हम उनकी पूरी क्षमता को यूज़ कर पाएंगे, और इससे हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। जॉब सेटिस्फेक्शन, किसका जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज़ का, और मॉरल, उनको हम क्या उनके मन में भावना है, उनको भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। कौन, स्टाफिंग। कैसे, देखो स्टाफिंग के थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं कि भाई वो
कैसा बिहेव करते हैं या फिर जो हमारा एंटरप्राइज है उसको लेकर वो कैसा इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे चाहते हैं वो, क्या नहीं होना चाहिए, जैसे कि किस टाइप का एनवायरनमेंट वो लोग चाहते हैं जो हमारे इंटरप्राइज में काम करते हैं। ऑब्वियसली जो भी काम करता है उनको प्रमोशन भी चाहिए होता है, तो हम कौन सी प्रमोशन पॉलिसी अप्लाई करें जिससे कि वो सेटिस्फाई हो, अच्छे से अच्छा काम करें, किस टाइप की उनको ट्रेनिंग दें, कितना रेम्यूनरेशन दें उनको कि वो उस रेम्यूनरेशन से सेटिस्फाई हो। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से हम जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एंटरप्राइज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का, और अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो वो अच्छे से अच्छा काम करेंगे, और ऑब्वियसली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका प्रॉफिट किसको मिलेगा, ऑब्वियसली एंटरप्राइज को मिलेगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।